राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाई कृतिका में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी, मेथी आलू, और वो भी माँ की सीक्रेट रेसिपी के साथ। मेथी आलू की सब्जी सभी के यहाँ बनती है, लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मेथी कड़वी होती है, इसलिए उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप मेथी की कड़वाहट को कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी सिंपल सी मेथी आलू को कैसे आप ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी मेथी आलू की भुजिया। गैस पर मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म करने, और इसमें डालेंगे हम 1.5 से 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और गर्म होने पर इसमें डालेंगे हम चुटकी भर हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच तिल, एक छोटी हरी मिर्च कट करके, एक छोटी चम्मच कसी हुई अदरक, और साथ में डाल देंगे 2 छोटे टमाटर कटे हुए। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर की वजह से हमारी जो मेथी की कड़वाहट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है, और फिर इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू कटे हुए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसमें मिलाएंगे हम स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कवर कर देते हैं, जब तक कि आलू जो है हमारे वो हाफ बॉईल नहीं हो जाए। और हाफ बॉईल होने के बाद 1 से 2 मिनट में आपके आलू हाफ बॉईल हो जाएंगे। और फिर इसमें मिलाएंगे ताज़ा कटी हुई हरी मेथी, जिसको हमने अच्छे से धोकर साफ करके छोटा छोटा कट कर लिया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे कर देते हैं हम कवर, और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकने देते हैं, जब तक कि आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और हमारी मेथी अच्छे से पक ना जाए। और हमारी भुजिया भी अच्छे से बन गई है। इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मिलाएंगे हम 1 कटी हुई हरी मिर्च और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो मेथी का नेचुरल टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। अब इसे कर लेते हैं हम प्लेट में ट्रांसफर, और देखिए हमारे मेथी आलू कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप सर्दियों में मल्टीग्रेन रोटी के संग जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। और इस ट्रिक के साथ अगर मेथी आलू बनाएंगे तो आपकी मेथी आलू की सब्जी को कोई भी नान बिल्कुल नहीं कहेगा, बल्कि और मजे के साथ खाएंगे, चाहे बच्चे हों या बड़े। तो मेथी आलू की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए खिलाइए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।